नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं CGPM News। अभी हम आ चुके हैं रुंगटा आयरन में। यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप समिट 2023 हो रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज हम आपको मिलाएंगे कुछ इन्वेस्टर्स और कुछ नए स्टार्टअप से। इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड आया है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो अलग अलग पार्ट हैं। वेल, उस पर अभी पूर्व वक्ता ने भी कुछ चीजें बताने की कोशिश की। छोटी सी जानकारी चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम है इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। भारत में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट आपके नजर में है जो आप ज्वाइन करिए और उसके 5 साल बाद, 3 साल बाद जो भी कोर्स करवाता हो, उसके बाद में वो एक सफल व्यापारी या सफल उद्योगपति बनाकर आपके साथ बाहर निकालता हो? हैव यू एनी आइडिया? किसी के पास हो तो जरूर बताइएगा। एक अच्छा CA बना सकते हैं हम, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं हम, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं हम, और भी कई प्रोफेशन हैं जो बना सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में कोर्सेज हैं, लेकिन सफल व्यापारी या उद्योगपति कैसे बने, इसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। जिस दिशा में ये आयोजन जाता है, ये लगभग उसी दिशा को पूरी करने की कोशिश करता है कि कुछ ऐसे समिट्स करवाए जाएं, ऐसी चीज़ें की जाएं जो एक बहुत बड़ा स्तर व्यापार का है, उद्योग का है, उसमें कैसे हमारे यूथ को सम्मिलित किया जाए। दूसरा एंगल इसका ये भी है कि आइडियाज आपके पास में बहुत होते हैं। बहुत सारी आइडियाज ऐसी होती है जिसको हम खुद से किसी को बताने की कोशिश नहीं करते, एक झिझक होती है। अभी बताया गया आपको कि वो पॉकेट में रह जाता है, अपने अंदर ही रह जाता है। ऐसी आइडिया को जब हम कहीं नहीं बता सकते, तो मनोज जी बैठे ही हैं, अगर आप उनको बता दें तो भी वो उस आइडिया को पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। वेल, भारत के इतिहास पे चलें, जहां तक इनोवेशन की बात है, इनोवेटिव आइडियाज की बात है, तो आप पाएंगे कि अपना देश, जिसको सरल भाषा में कहता था, एक चलती फिरती भाषा में कहा जाता था, जुगाड़ का देश है। और ये जो जुगाड़ शब्द है, एक्चुअली ये इनोवेटिव है। जब रोटियां बनाते समय माँ के हाथ जलने लगे, तो उन्होंने चिमटे का आविष्कार किया। ये कब से चला है? हम कोई नई चीज नहीं कर, ये बहुत पहले से चला है। दरवाजे खुले रखने से चोरियां होती थी, तो साकल आया, साकल भी खोल लेते थे लोग तो ताला आ गया। ये सब यही भी दे हमने किया है, कोई नया काम नहीं है। सो एक आदत बने कि हम उस पर काम करेंगे। सो ये टीम बनाना और एक आदत में लाना, और इसकी वजह से देश में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। एंड पर्सनली आई बिलीव कि नेक्स्ट 5 ईयर्स डाउन द लाइन, एक कैंपस से जो बच्चे निकलेंगे, जो उस टीम का एक हिस्सा होंगे, दे विल शाइन लाइक अ स्टार इन देयर प्रोफेशनल सर्कल, या जो भी उनका ऑफिस होगा, या जहां भी होंगे ना, वो एक स्टार की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि दे हैव गोन थ्रू विद सम जर्नी, 1 साल की जर्नी, 2 साल की जर्नी, और जो उन्होंने काम किया है, जो सीखा है उस IAC के जर्नी में, वो उससे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सो उस काउंसिल की चीजों को समझना जरूरी है, और ये कल्चर बनाने की कोशिश थ्रू पूरे देश के एजुकेशन कैंपसेस में चल रहा है। जो एक नेक्स्ट चीज जो हो रही है, जो हम सबको जान के खुशी होनी चाहिए, कि अब मैं किसी से अभी चर्चा भी कर रहा था कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम यहाँ पे केवल इंजीनियरिंग के बच्चे नहीं होंगे, बाकी के स्ट्रीम से भी होंगे यहाँ पे। एंड मैं ये बात बोलूं तो इंजीनियरिंग वाले बुरा ना माने कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप केवल इंजीनियरिंग के बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकता है। बट ऑन द सेम टाइम, और हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मेंटर और इवैल्यूएटर्स यहाँ पे हैं, जो अभी पिचिंग राउंड को देख रहे थे, और शायद मेरी बात से कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं कि भारत को अभी फाउंडर तो ढेर सारे मिल रहे हैं, बस सच पूछे तो को फाउंडर्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छे टीम मेंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं जो स्टार्टअप की जर्नी में लोगों को सपोर्ट कर पाए।
उस माइंडसेट के साथ। ये कहां से आएंगे, कौन आएगा, ये किस पैशन के साथ? रिस्क लेना, स्टार्टअप के साथ काम करना है, रिस्क लेना, वो रिस्क लेने का जज्बा कहां से आएगा जब तक कि उस माइंडसेट के साथ अगर कोई अटैच फील नहीं होगा? वो नया करने की जज्बा, मतलब नया कुछ सोचते हैं, डिसरप्टिव आइडियाज, थिंक डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब किसी को तोड़ फोड़ करना नहीं, समथिंग जो कि एक यूनिक हो और सोसाइटी किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे या अपकमिंग चैलेंजेस को भी सॉल्व करे। ऐसे लोग कैसे तैयार होंगे? व्हेन दे विल गो थ्रू विद सम जर्नी, इट्स नॉट लाइक अ वन इवेंट किया और उससे सब कुछ सीख लिया। नो, यू हैव टू गो थ्रू विद द जर्नी थ्रू आउट द ईयर। एक पूरे साल अगर आप जर्नी से गुजरोगे तो आप समझ पाओगे पेन पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हर कुछ समझ पाओगे। एंड इसलिए एक पूरी जर्नी है जिसमें एक सर्टेन एक्टिविटीज है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग उसका हिस्सा बने। इट्स मोर लाइक, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो जैसे सिलेबस में हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बस जरूरी नहीं कि सारा काम आए हमारे जीवन में। सही बात है ना? लेकिन पढ़ते तो सब कुछ है ना। कई बार लगता है कि अगर ये चैप्टर छोड़ दिया तो हो सकता है इसी से क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम में मामला खराब हो जाए। पढ़ते हैं उसको, बट हो सकता है काम ना आए, उसको यूज नहीं करते होंगे। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि इस एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, कई लोग हो सकता है अगेन वो बुरा ना माने, हो सकता है ये जबरदस्ती बैठे हुए हैं, मन नहीं कर रहा है, बाहर निकलेंगे तो शायद कोई डांटेगा, कुछ बोलेगा, टोकेगा। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो तो थोड़ा बदलिए। आप ये सोच के यहां पे बैठे हो कि कुछ नया सीख रहे हैं, हो सकता है मेरा इसका काम नहीं है, मेरे लाइफ में कोई इसका लेना देना नहीं है, मुझे अपने को स्टार्टअप फंड को बनना ही नहीं, जबरदस्ती बुलाएगा तो भी नहीं बनना। बट एटलीस्ट यू विल बी वेल विशर अगर आपकी फैमिली में कोई अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, आपका कोई दोस्त कुछ शुरू करना चाहता है, यू विल हेल्प देम, है ना। यू विल नॉट बिहेव लाइक अदर्स, यार क्या कर रहे हो। सो इसलिए हम बोलते हैं कि एक पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना चाहिए कैंपस में, सो दैट वी कैन क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप। एंड ऑन द सेम टाइम वी हैड एडेड वन मोर कंपोनेंट, की आईपीआर। इस परिसर में, इस कैंपस में बैठा हुआ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका आईपी के साथ कुछ लेना देना ना हो। अगर आप थोड़ा उसका झलक लेना चाहते हैं तो किसी भी फिल्म की एक छोटा सा क्लिप लेकर फेसबुक पर शेयर करके दिखा दीजिए मुझे, तुरंत बैन कर देंगे हम, तुरंत आपको हटा देंगे क्लिप। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना सबकी जरूरत है। सो आईपी कंपोनेंट्स को लेकर जो दो चीजें होना शुरू हुआ देश में कि भारत इतना बड़ा देश है बट फिर भी नंबर ऑफ पेटेंट्स कितने फाइल हो रहे हैं, बहुत कम। आइडिया की कोई कमी नहीं है, हर आदमी कहता है अगर मैंने शेयर किया तो ये कॉपी कर लेंगे। इसी चक्कर में सारे कॉपी, वो कॉपी तो कोई कर ही नहीं पा रहा, वो उनकी जेब में ही है, उनके डेस्कटॉप में ही है, उनके लैपटॉप में ही पड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ क्या है, जो उस आइडिया को जिसको आप एक अच्छा कॉमर्शलाइज कर सकते थे, उस पोटेंशियल को हमने भापा नहीं। उस दिशा में देश को बहुत आगे बढ़ना है, बट कहने का सेंस क्या है कि आईपी अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए देश में आईपी कंपोनेंट्स के ऊपर काफी काम करने की कोशिश हो रही है और इसलिए कैंपस में भी हर जगह आईपी पर फोकस काम होनी चाहिए। बट यहां पे जो मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, आई थिंक वो हमारे हायर एजुकेशन के जो लीडर्स यहां बैठे हुए हैं उनको समझने की जरूरत है कि एक बच्चा या कोई इनोवेटर्स वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, बट उसको स्टार्टअप शुरू नहीं करना है, उसको अपनी दुकान नहीं चलानी है, बट उसने डेवलप किया है, उसको ये भी थॉट देने की जरूरत है कि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नाम का भी कोई चिड़िया है जिसके जरिए तुम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम स्टार्टअप शुरू करके तुमको बिजनेस करना ही पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी या तुमको फंडरेज का, तुमको पिचिंग करने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे इन्वेस्टर को कि तुम्हारे में पैसा है। नहीं करना भाई, तुम अपना प्रोडक्ट डेवलप करो